तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आए हैं चामुंडा देवी टेंपल। ये है हमारे साथ ऋतिक, दिखाते हैं आगे के नज़ारे। तो गाइस देखिए आगे का रास्ता, कुछ भैया देख लेंगे, ले लेंगे भाई। आगे बहुत बड़ा मंदिर है अभी तो। गाइस अंदर एंटर करते हैं, एक होटल है यहाँ पे। नहीं कोई नहीं भाई, इस साइड में गाइस दुकानें लगी हैं। पहाड़ों का मौसम, पहाड़ों का रास्ता एकदम बढ़िया रास्ता, मतलब कुछ कह लो। आगे चलिए अंदर दिखाते हैं आपको कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगा। तो गाइस हमने प्रसाद लिया 101 रुपए का, भाई ने भी लिया है। भाई ने तीन चीज़ें खरीदी है, चुन्नी खरीदी है भगवान के लिए, प्रसाद खरीदा है और एक हैंकी नैपकिन खरीदा अपना। गाइस जहाँ जहाँ अलाउड रहेंगी वहाँ वहाँ खींच सकते हैं फोटो, बाकी तो मैं भी ऐसे कुछ कंफर्म नहीं कर सकता कि कितना अंदर तक अलाउड है और कितना नहीं है। बाकी मंदिर एकदम सही जगह पर बना रखा है, लोकेशन के वाइज से सही जगह पे नहीं है, जगह ही बढ़िया है, शक्ति की बिठाई है माता का। तो गाइस देखिए फिर बैठने के लिए काफ़ी बड़ा इलाका बना रखा है दोनों साइड है। मंदिर खुलने का समय 5 बजे और बंद होने का 10 बजे। तो गाइस दर्शन तो हो गए हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या रहता है आगे का। शिव मंदिर है नीचे, गाइस हम शिव मंदिर की साइड जा रहे हैं, नीचे की साइड। काफी बड़ा पूल टाइप सा बना रखा है गाइस, पानी भगवान की मूर्ति लगी है बीच में। मेरा प्रसाद चढ़ाया था उन्होंने। हाँ तो गाइस ये एक मंदिर है शिव का, बाकी और भी मंदिर है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको आगे एक्सप्लोर करते हुए। गाइस यहाँ से एक नदी जा रही है बीच में से, नदी में अचानक बाढ़ आ सकती है, कृपया नदी में ना जाएं। अभी तो फिलहाल मौसम सही है क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर पानी आता है यहाँ पे, बाकी अभी फ्लो में ऐसे ही नॉर्मली बह रही है। ये मंदिर है, अंदर आई थिंक फोटो अलाउड नहीं होंगी जहाँ तक मुझे पता है। गाइस ये मंदिर के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और देसी आइसक्रीम खा रहे हैं, खोए वाली आइसक्रीम है 50 रुपये की 100 ग्राम। हाँ तो 50 रुपये की 100 ग्राम। भाई ये हैं सर बेचने वाले यहाँ पे, अभी मस्त मौसम के नज़ारे लेते हुए खा रहे हैं, इसके बाद यहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर वापसी। तो गाइस एक भैया थे जिसमें हमको आइसक्रीम मिली थी 50 की 100 ग्राम है, भाई बताएंगे कैसे बनती है। अंकल जी बताना कैसे बनती है। अच्छा जमती आग और पानी से। ओके इसको आप 6-7 महीने बच्चे को खिला दो, अगर बच्चे छाते जाना है तो ये खोल करके देती है, नुकसान नहीं करेगी। तो गाइस जो भी एक बार आएगा यहाँ पे तो ट्राई करना जरूर गाइस। ओके तो गाइस हम दोनों ने तो खाई है, मस्त लगी हमको, बढ़िया थी खोए वाली आइसक्रीम। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है सामने का, यहाँ आइसक्रीम हर जगह बिक रही है गाइस वो वाली। ऊपर से नदी दिखा सकता है क्या दिखाने में? हाँ चलेंगे पैदल, हाँ दिख रही है ना वहाँ से भी दिख रही है, पता है मुझे। गाइस तो हमने दर्शन कर लिए हैं दोनों ने, अभी यहाँ से जा रहे हैं खाना खाने उसके बाद निकलेंगे आगे। तो देखिए गाइस आगे एकदम बढ़िया मौसम, ये देखिए गाइस दोनों के दर्शन हो चुके हैं, बैग साथ में जा रहे हैं लेके, मस्त निकलेंगे यहाँ से बस पकड़ के कांगरा में दर्शन करने हैं, करके कांगरा टेंपल करके कुछ, उसके बाद वहाँ से चिंतपूर्णी जाएंगे और चिंतपूर्णी से वापस घर। खाने में ज़्यादा कुछ अच्छा खाया नहीं, दाल मखनी थी, 5 बटर रोटी कराई है। गाइस मौसम देखिए क्या तगड़ा हो रहा है,
तो गाइस अब हम इसके बाद जाते हैं कांगड़ा। कांगड़ा से या तो कांगड़ा माता जाएंगे टेंपल में, या तो चिंतपूर्णी निकल जाएंगे क्योंकि हमको चंडीगढ़ जाना है वापस आज ही। तो गाइस देखिए बाहर के नज़ारे, गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं कांगड़ा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम आगे जा रहे हैं, यहाँ से देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, बाय बाय, इसी के साथ मिलते हैं कल।